नवरात्रि का सीजन है और नवरात्रि का नाम सुनते ही सबसे पहले कुछ चीजें हमारे दिमाग में आती हैं, जैसे कि दुर्गा पूजा, डांडिया और गरबा। जैसे ही गरबे की बात होती है, एक और नाम हमारे दिमाग में आता है, वो है फाल्गुनी पाठक। फाल्गुनी पाठक को सब डांडिया क्वीन के नाम से जानते हैं। संगीत का शौक उन्हें बचपन से ही था। उनकी बहनें उन्हें बताया करती थीं कि वो जब मात्र 4 साल की थीं, तब से ही गुनगुनाती हैं। उनके परिवार में सभी अच्छा गाना गाते थे। उनके घर में हमेशा रेडियो बजा करता था और रेडियो के साथ गागा कर ही उन्हें संगीत और गायन के प्रति इतना लगाव हो गया। उस समय फाल्गुनी के घर में उनसे बड़ी 4 बहनें थीं। वो अपने घर में सबसे छोटी हैं और भारतीय समाज में तो लड़कियों का पैदा होना उस वक्त तक अभिशाप ही माना जाता था। घर में 4 लड़कियां पैदा होने के बाद लोग उनके माँ बाप से कहा करते, अगर एक लड़का और पैदा हो जाता तो ठीक रहता। उनके माँ बाप खुद भी मानते थे कि अगर परिवार में एक लड़का हो जाए तो उनका परिवार संपूर्ण हो जाएगा। फिर फाल्गुनी का जन्म हुआ 1969 में। उनसे जो बड़ी बहन थी वो फाल्गुनी से पूरे 9 साल बड़ी थी। उनके माँ बाप को लग रहा था कि शायद इस बार बेटा पैदा हो जाएगा और उनकी बहनों को भी यही लग रहा था। पर इस बार फिर जब लड़की पैदा हो गई तो उन सब ने उसे स्वीकार तो कर लिया, पर उन्हें बिल्कुल लड़कों की तरह ही रखने और पालने लगे। फाल्गुनी के बाल बचपन से ही कटवाए हुए थे और वो लड़कों की तरह ही कपड़े पहना करती थी। फिर उनकी ये आदत बन गई और फिर स्टाइल। गरबे के दौरान सब इतना तैयार होते हैं, खूब सस्ते सवरते हैं, पर फाल्गुनी पाठक हमेशा ही अपने उस टॉम बॉय वाले लुक में रहती हैं। एक बार उन्होंने अपने स्टाइल में कुछ चेंजेस किए और सलवार सूट पहना। वो डांडिया नाइट में गाना गा रही थी तो किसी ने आकर उनसे कहा, ये क्या पहना है आपने, वही पहनिए जो पहनती हैं। उसके बाद से फाल्गुनी ने सलवार सूट नहीं पहना और अपने टॉम बॉय वाले लुक को बरकरार रखा। फाल्गुनी करीब 30 साल से डांडिया नाइट में अपने गानों का जलवा बिखेर रही हैं। फाल्गुनी के शोज देश विदेश में होते हैं और उनके गानों के फैंस न सिर्फ इंडिया में बल्कि ऑस्ट्रेलिया, US और UK में भी हैं। नवरात्रि के पहले दिन से 10वीं तक तो वो भारत में रहकर ही अपने गानों की ताल पर सबको थिरकवाया करती हैं। बाकी देश के बाहर प्री नवरात्रि और पोस्ट नवरात्रि जैसे कार्यक्रम का आयोजन भी होता है, तो वो वहां जाकर अपने गानों की धूम मचाती हैं। हम अगर ये कहें कि जहां फाल्गुनी हैं और अपने गानों का जलवा बिखेर रही हैं, वहीं नवरात्रि है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। फाल्गुनी ने अपना पहला स्टेज परफॉर्मेंस तब किया था जब वो सिर्फ 9 साल की थी। उस दिन 15 अगस्त थी और उनके स्कूल के संगीत शिक्षक उनके पड़ोसी भी हुआ करते थे, तो उन्होंने ही फाल्गुनी की पहचान उस ग्रुप से करवाई थी जहां उन्होंने पहली बार गाना गाया था। और जब उन्होंने वहां गाना गाया तो लोग भौचक्के रह गए। वो वहां देखने के लिए आने लगे कि कहीं किसी ने कैसेट तो प्ले नहीं कर दी। जब उन्होंने पहली बार गाया तो लोगों को इतना अच्छा लगा कि लोगों ने उन्हें एक बार फिर गाने को कहा। फाल्गुनी से पहली ही बार 3 बार वंस मोर की डिमांड की गई। फाल्गुनी ने भवदीप जयपुर वाले से वोकल म्यूजिक में 5 साल की ट्रेनिंग ली है। साल 2002 में उन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग में हाथ आजमाया और फिल्म जैसे दिल विल प्यार व्यार और दिल है तुम्हारा में कॉन्ट्रीब्यूट किया। उनके पापा को पसंद नहीं था कि वो ऐसे गाना गाएं। वो चाहते थे कि वो पढ़ें और डॉक्टर या इंजीनियर बने, जो लगभग हर मध्यम वर्गीय पिता अपने बच्चे के लिए चाहता है। वहीं फाल्गुनी के पिता भी उनसे वही चाह रहे थे, पर तब तक तो फाल्गुनी का मन गाना गाने में रम चुका था, इसलिए उन्होंने गाना गाना नहीं छोड़ा। वो अपने पापा को बिना बताए और कई बार तो झूठ बोलकर शोज करने जाती थी। और जब उनके पापा को पता चलता कि वो छुप छुप कर गाना गाती हैं, शोज करने जाती हैं, तो उन्होंने उन्हें बहुत डांटा और खूब मारा भी। पर इससे फाल्गुनी पाठक को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि बचपन से ही उन्हें गाना गाने में मजा आता था और सिंगिंग करना ही उनका पैशन था। 90s के दौर में फाल्गुनी की एल्बम सुपर हिट हुआ करती थी। हर जगह बस उन्हीं के गानों ने धूम मचा रखी थी। पर एक वक्त ऐसा भी आया जब फाल्गुनी अचानक से कहीं गायब हो गई और उनके गाने चलना भी बंद हो गए। उसके बाद से ही वो सिर्फ डांडिया और नवरात्रों में ही नजर आती हैं। दरअसल हुआ कुछ यूं कि जब फाल्गुनी पाठक अपने करियर के पीक पर थी तब उन्हें बॉलीवुड से कई सारे ऑफर आए, पर फाल्गुनी उन्हें लगातार मना करती रही, जिस वजह से उन्हें एक वक्त के बाद ऑफर मिलना ही बंद हो गए। और एक वक्त ऐसा भी आया जब उनके खुद के एल्बम जो वो खुद लॉन्च किया करती थी वो भी चलना बंद हो गए। इससे उनके करियर पर काफी असर पड़ा। उसके बाद से वो सिर्फ नवरात्रि में नजर आने लगी, पर धीरे धीरे वो नवरात्रि में लोगों की पसंद बन गई और नवरात्रि सीजन में परफॉर्म करने के कम से कम 2 करोड़ रुपए लिया करती हैं। फाल्गुनी का यहाँ तक का सफर आसान नहीं था। पिता के खिलाफ जाकर अपने पैशन को फॉलो करना कोई आसान काम नहीं होता, वो भी इतनी छोटी उम्र में। कई सारी लड़कियां तो यहीं आकर हार मान लेती हैं। यूथ आइकन में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और कहानियों को जानने के लिए देखते रहिए यूथ आइकन ऑफ इंडिया।